नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का एजुकेशन लाइफ में। आइए हम सब इस प्रश्न को ट्रिक द्वारा हल करते हैं। आप सभी दोस्त वीडियो में बने रहिए। आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं। कह रहा है किसी समानुपात के तीन पद दिया हुआ है, 2, 4, 6, ठीक है। और कह रहा है चतुर्थ पद ज्ञात करें, ठीक है। तो इसे हल करने के लिए आप बेसिक और ट्रिक दोनों का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहला पद का मान क्या दिया है, 2। दूसरा पद का मान क्या दिया है दोस्तों, 4। तीसरा पद का मान क्या दिया है, 6। और चौथा पद x मान लीजिए, ठीक है, उड़ा दीजिए आंसर। देखिए, अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, बट्टे में, यानी अंश बटा हर में। जी हाँ, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पहला पद का मान क्या है, 2, आप लिखेंगे 2 अनुपात, दूसरा पद 4, ठीक है, और तीसरा पद क्या है दोस्तों, 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, और चौथा पद को x मान लीजिए, ओके। चलिए, अब देखिए इसमें यही ट्रिक होता है कि बाहर से गुणा एक बार, एक बार अंदर से गुणा, ओके। एक बार बाहर से गुणा, एक बार अंदर से गुणा, 2 में x से गुणा 2x, ओके, और 4 × 6 = 24। तो यहाँ से काटिएगा बच्चों, 12 × 2 = 24, यानी x का मान क्या होगा दोस्त, 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि यह सवाल आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न 2 है, किसी समानुपात के तीन पद 10, 12 एवं 15 है। तो कह रहा है चतुर्थ पद क्या है। बस दोस्तों, चतुर्थ पद को हम लोग x या y मान सकते हैं, ठीक है। आइए इसे हल करते हैं। देखिए, पहला पद का मान 10, दूसरा पद का मान 12, तीसरा पद का मान 15 है, चौथा पद को आप x या y मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम सब लिखेंगे यहाँ से 10 अनुपात 12, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर, आप लिखेंगे 15 × x, ओके। चलिए, अब देखिए, ये देखिए, पहला पद 10, दूसरा पद 12, तीसरा पद 15, चौथा पद को x मान लें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बाहर से एक बार गुणा, एक बार अंदर से गुणा कर दीजिए। 10 में गुणा x का 10x, ठीक है। उसके बाद देखिए, 12 में गुणा 15 कीजिएगा, तो लिखेंगे 12 × 15, ओके। चलिए, यहाँ से काट दीजिए बच्चों। देखिए, 10 का आधा 5, ओके, 12 का आधा 6, ओके। उसके बाद देखिए, यहाँ से देखिए 5 × 15, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x = 36 18, जी हाँ 18 आएगा, ऑप्शन डी होगा दोस्त, ऑप्शन डी होगा। आई होप कि आपको यह प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ रहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।